अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के सिकंजे में आता ही आता है। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद ये बात दिल्ली की हर गली से निकल रही है कि दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में पटाखे फूट रहे हैं। मैं जहां बैठा था जब पता चला लोगों को, तो लोग तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहां दौड़ना वहां दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। और पद चाहे कितना भी बड़ा किसी का हो, जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए, आज एक बार फिर से दिल्ली की जनता कह रही है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।